इंडिया एक बदतरीन जमहूरी मुल्क है, बदतरीन डिक्टेटर है। इंडिया में तो ये सिस्टम भी नहीं है, तो इंडिया में तो अभी तक टॉयलेट्स का मसला है। इंडिया में तो रुको जरा, सबर करो। इसके अंदर ले जाकर वॉशरूम की हालत भी जरा दिखाएं। ये वॉशरूम है? नहीं कोई भी नहीं, किसी भी तो अभी तक खुराक का मसला। आप कह रहे हैं ना आटे की वजह से मरा है पाकिस्तान में बंदा, बिल्कुल मरा है। आपको बताएं कि बिजली गायब हुए 20 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया। परेशानी है, सुबह से लाइट नहीं है। कुछ पहले कौन से वहाँ पे कारोबार सही है, पहले भी भूखे मर रहे हैं, कहाँ से कहाँ बात चली गई है, उनको अपनी पड़ी हुई है। दोस्तों लेकर के आ चुके भाई बहुत ही मजेदार वीडियो, भाई गारंटी दे रहा हूं अगर इस वीडियो को देखने के बाद ना हाँ फस फस के आपका पेट नहीं फट गया ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 1,00,000 रुपए दूंगा भाई। आज की वीडियो में देखने वाले कि 75 साल के बाद पाकिस्तान और इंडिया किस लेवल पर जा चुके हैं, पाकिस्तान कहां सड़ रहा है और इंडिया किस लेवल पर जा चुका है, और पाकिस्तानियों की जुबानी सुनने वाले हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। दो दिन पहले सऊदी अरब से होके आपने यूएई से होके आया हूं। अच्छा, हो उन्होंने अपना दिल खोल दिया हमारे आगे। ये कौन सा लॉजिक है भाई? पाकिस्तान के जो उसको जो चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस, $2,000,000 का जो कर्जा दिया पाकिस्तान को, मेहरबानी करके भीख मांग रहे हो ये भीख। अच्छा, पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा। आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद कर्जा मांगूंगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन क्या बोला तूने? शर्म बहुत आती है भाई, नहीं शर्म आ रही लेकिन बुर्का पहनाओ। के पाकिस्तान की जो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आ गई है उसका कौन जिम्मेदार है? और अगर साथ ही हम पड़ोसी देश इंडिया की बात करें तो वो दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गई है। इंडिया एक बदतरीन जमहूरी मुल्क है, बदतरीन डिक्टेटर है। इंडिया में तो ये सिस्टम भी नहीं है, तो इंडिया में तो अभी तक टॉयलेट्स का मसला है, इंडिया में तो अभी तक खुराक का मसला। आप कह रहे हैं ना आटे की वजह से मरा है पाकिस्तान में बंदा, बिल्कुल मरा है। इंडिया में कई मरते हैं, इंडिया में ऐसे नहीं किसानों ने अपनी जानें दी, उन्होंने खुदकुशियाँ की, उन्होंने वो हुकूमत के साथ लड़ते हुए मरे। 70 साल से कश्मीर पर कब्जा करके कश्मीरियों के हकूक पामाल करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को आप किस तरह कह सकते हैं ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है? उस जगह पे इंडिया की पिस्पाई होती है, इंडिया को बताया जाता है कि आपने 370A की हलाफ वर्जी की है। पंजाब के किसानों के साथ इंडिया में क्या हो चुके हैं, लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो चुके हैं। आप इंडिया का ये मुस्बत चेहरा दिखाएं कि इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुआशरा है, तो इस बात में कतन कोई भी सच्चाई नहीं। इंडिया बदतरीन रहने के काबिल मुल्क नहीं। जो ये RSS चल रही है, हुकूमत की सरपरस्ती में एक ऐसी तंजीम चल रही है जिसको इंटरनेशनल तौर पे बैन किया गया था। मोदी साहब को PM बनने से पहले अमेरिका ने बैन किया हुआ था अपने आप पे। का की बात करें तो ओबामा ने इलेक्शन जो है वो उसामा बिन लादन पे जीता है, जो बाइडन ने इलेक्शन जो है वो अलकायदा पे जीता है। ये मामलात हर कंट्री के हर मामलात होते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली गायब हुए 20 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया। परेशानी है, सुबह से लाइट नहीं है। कुछ पहले कौन से वहाँ पे कारोबार सही है, पहले भी भूखे मर रहे हैं, कहाँ से कहाँ बात चली गई है, उनको अपनी पड़ी हुई है। ये जिनको बिठाया, जो हमारे से पीछे थे, इंडिया बांग्लादेश हमसे जो पीछे थे, वो हमसे कितने आगे चले गए। करेंसी सुन के अच्छा दो पतले हालात हैं कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान से पैसा कैश करके वापस ले जा रहे हैं। नया में महंगाई के सताए आवाम को एक और बड़ा झटका, रोटी 16 नान 30 रुपए में मिलेगा। मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन ने कीमतें बढ़ा दी। तंदूर मालिकान ने कहा हुकूमत सस्ता आटा और फाइन फराहम करने में नाकाम रही, महंगा आटा और फाइन खरीद कर सस्ती रोटी नान नहीं दे सकते। अरे देवा, रेलवे स्टेशन पर, ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, उस पर मौजूद है। और आप देखें यहाँ पर रश की क्या सूरत हाल है, और ये बोगी की जरा सूरत हाल आप चेक करें, ये बोगी की जरा चेक करवाएं, बोगी की हालत क्या है। और ट्रेनें बहुत ज़्यादा कम है, चंद ट्रेनें हैं वो चल रही हैं, और रश की सूरत हाल आपके सामने है। और पुरानी बोगियाँ यहाँ पर यूज़ होती हैं, और आपको यहाँ पर दिखाते हैं। इसके अंदर ले जाकर वाशरूम की हालत भी ज़रा दिखाएं। ये वाशरूम है? नहीं कोई भी नहीं, किसी भी स्टेशन से आप चेक कर लें कि किसी स्टेशन से कोई नई ट्रेन उन्होंने डेवलप की हो, कोई नया ट्रैक डेवलप किए हो, अंदर भी वही फैसिलिटीज हैं। आज से मतलब 10 साल पहले 15 साल पहले भी यही पंखे थे, वही पंखे हैं।
की दुनिया को देखें आप, इंडिया की मिसाल लें क्योंकि हम एक साथ सेपरेट हुए थे, वो उनकी ट्रेनों की स्पीड 180 किलोमीटर की है, वो अपनी बोगियाँ खुद तैयार करते हैं, यहाँ पर बोगियाँ हम चाइना से मंगवाते हैं और बोगियों की हालत देखें ये कैसी टूटी फूटी पड़ी है और ट्रेन मैच करके आज बिल्कुल कह लो कि रोड पर आ रहे हैं। महंगाई का रेशो ले लें आप, 10 चीज़ों में आप ले लें, लेकिन जो जिन्हें पता ही नहीं है कि जो मेलों में बैठे हैं कि महंगाई क्या है। बात तो सही है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उनके जो प्लेयर्स हैं उनको वो पार्टिसिपेट नहीं करने देते। इंडिया की जो अच्छी बात है वो ये है कि उनका हमारे साथ बॉर्डर है, पाकिस्तान में आके वो मैच नहीं खेल रहे। कोई तरीका है भीख मांगने का? तांग नहीं करता, तांग तो इंडिया करता है, जब भी करता है पाकिस्तान तो सिर्फ जवाब देता है। और कौन है ये पागल आदमी? ये कि वो पाकिस्तान में आके मैच खेलें, इसलिए पाकिस्तान में भी इंडियन फिल्म्स ही देखी जाती हैं। तो जी दोस्तों आपने देखा भाई क्या है ये जाहिल पाकिस्तान। और इसके अलावा YouTube पे मतलब बहुत ज्यादा लेक्चर जो है वो इंडियन टीचर्स के हमें मिलते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। भारत माता की जय। दोस्तों जैसे आपको पता अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आज, लेकिन पाकिस्तान में अफसोस मनाया जा रहा है कि उनके पास इस प्रकार का कोई दिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो भाई गणतंत्र दिवस वहां पे तो लोकतंत्र है ही नहीं, वहां पे तो संविधान नाम की कोई चीज ही नहीं है यार। जिसको मन करा उठा के घर से शादी कर ली, जिससे मन करा उसको मार डाला, जो मन करा वो लूट के खा रहा है, जो उनका पीएम आया उसको सिर्फ लूटना है। अगर संविधान इस देश के अंदर होता, इन्होंने 15 अगस्त की वजह 14 अगस्त को मना लिया, लेकिन भाई 26 जनवरी की जगह 25 जनवरी भी मना लेते यार तुम लोग। अपनी इतनी बेकार हालत पाकिस्तान ने कर लिया, लेकिन हमें अफसोस इस बात का नहीं है, हमें अफसोस है इस बात का कि इतनी बुरी हालत होने के बाद भी पाकिस्तान के भाई कोल्ले बिल्कुल टाइट रहते हैं और पाकिस्तान अपने आप को एक सुपर पावर और कंट्री मानता है। आज भी बोलता है कि इंडिया के अंदर टॉयलेट नहीं है, तो भाई इंडिया वाले क्या तुम्हारे बॉर्डर पे टॉयलेट करके जाते हैं? तुम ये नहीं पता 5 रुपए में कितनी छक्के तुम मन भर के टॉयलेट कर सकते हो पाकिस्तानियों? और जिस दिन इंडिया वाले जो अपनी टॉयलेट का सारी टॉयलेट भाई तुम्हारे पाकिस्तान में छोड़ देनी अगर तुमने दोबारा बात बोल दी। दोस्तों आपने ये वीडियो देख के भाई कैसा लगा? मुझे लगता बहुत मजा आया होगा भाई, हमने भी बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को एडिट करने में। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को यार लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना भाई 26 जनवरी के उपलक्ष में, ताकि पाकिस्तानियों को पता लग जाए कि हमने कौन से देश से अलग हो गए, अपनी किस्मत को ख़राब कर लिया है। दोस्तों मैं मिलूंगा आपको भाई अगली वीडियो में, और तब तक के लिए भाई बाय बाय, जय हिंद जय श्री राम।